कोई भी फेस्टिवल खत्म होता है ना, उसके बाद ना हमारे केलर का जो अंडरग्राउंड हमारा स्टोरेज रूम है ना, उसका हाल ऐसा हो जाता है, पूरा सामान ना इधर का उधर हो जाता है। अभी हमको शॉपिंग जाना है और हमको बास्केट लेना चाहिए शॉपिंग वाला, ये देख रहे हैं सब कोई फुल है, ये सबको अभी खाली करेंगे, उसके बाद ये खाली होगा। तो मतलब उस समय ना टाइम नहीं मिलता है, कोई भी आके नीचे अपना रख देता है, फिर आराम से हम बैठ के सबको एक एक करके अरेंज करते हैं, क्योंकि मेरा सामान ना मतलब हम खुद से रखेंगे ना तभी हमको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, अगर रिसीट भी रखेंगे फिर भी मिल जाएगा, इसके पापा अगर रख दिए ना तब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो इधर का उधर रख देते हैं। और ये जो इतना अरेंज करके नाम लिख के रखते हैं ना इसके पापा के लिए, रिसीट को सारा सामान जो भी आप बोलिएगा ना ला के दे देता है, लेकिन इनके पापा को बोलिएगा सामने में रहेगा, उनको बोलेंगे बस चाहे बत्ती लेके आने के लिए, तो पूछेंगे लेफ्ट है कि राइट है, वो पूछते रहेंगे, समझे। तो ये सब काम ना हम खुद करते हैं ताकि ना हमको ना जरूरत पे ना सारा सामान मिल सके यहाँ पे। तो चलिए जितना भी सामान था, जैसे पानी पूरी बनाए थे तो पानी जो रखे थे ना इस जार में रखे थे, ये मस्त है, नीचे ना टैप लगा हुआ है, आराम से इसमें पानी रख दिए थे, जिसको पानी पूरी खाना था टैप ओपन किया पानी आया और खाया मस्त पानी। तो यहाँ पे सारा बर्तन जितना वॉश किए थे सबको एक एक करके रख रहे हैं, ताकि सारा बर्तन एक जगह, और सब बर्तन ना एक जगह रहता है ना तो मेरे को याद भी रहता है कि सारा सामान कहाँ। और यहाँ पे सारा केलर हमारा फैल गया है, टाइम लगेगा आज, तो बस ना थोड़ा बहुत जो सामान है वो रख देते हैं ताकि मेरा शॉपिंग बास्केट खाली हो जाए और उसके बाद हम शॉपिंग करने के लिए जा सके। तभी हमको बस शॉपिंग करने जाना था, झाजी को टाइम लग रहा था, सोचे नीचे जितने जब तक टाइम है मेरे पास सारा सामान मिलके रख लेते हैं। तो क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है कि फेस्टिवल के बाद, तो आप फेस्टिवल के थके मांदे हो, उसके बाद पूरा घर इधर का उधर हो जाता है, सामान इधर का उधर फैल जाता है, वो सबको भी नया अरेंज करना का काम है। तो आज हमें शॉपिंग जाना है क्योंकि ये घर में ना जैसे अभी ये होली में बहुत सामान बना था, सामान खत्म है, जैसे आलू खत्म है, वैसे ये ओनियन खत्म है, दही खत्म है, ये सब लाना है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 दिन शॉप ना कंटिन्यू बंद रहेगा, संडे तो बंद रहता ही है, मंडे भी क्लोज रहेगा, मतलब ट्यूजडे खुलेगा। तो यहाँ पे ये है कि ईस्टर वगैरह में जब छुट्टी होता है ना, तो अगर सैटरडे संडे मतलब एक सैटरडे ओपन था, फ्राइडे बंद था, सैटरडे ओपन था, फिर संडे मंडे सब क्लोज रहेगा, तो ये सब अगर कुछ ज़रूरत पड़ गया तो थोड़ा बैकअप ला के रख देंगे, इसलिए शॉपिंग करने के लिए जा रहा है। हिम्मत बिल्कुल नहीं है हमको बाहर निकलने का, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रहा है, लेकिन क्या करें, शॉपिंग तो करने जाना है ना, तो ये फटाफट सारा काम कर देते हैं। और मेरे को लगता है ना कि हम आराम से कब बैठेंगे पता नहीं। और यहाँ पे ये अभी जो सामने यूज किए थे ना वो पूरा रखा हुआ था, इसको भी रखना होगा, इसको सोचिए सब अभी ठीक है, सबको ना स्पून से ना निकाल के अलग अलग पॉली बैग में ना बंद करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख देंगे ताकि यूज में ला सकें, समझे। तो चलिए फटाफट इसको क्लीन करते हैं। और मेरा मेरे को लगता है ना कि मेरा काम कब खत्म होगा पता नहीं, हम कभी चैन से बैठ ही नहीं सकते हैं, इतना सारा काम मेरे घर में होता है। बाबा आप लोग गिफ्ट नहीं देते, आप लोग ने एक खेल पर मेरे को गिफ्ट दे दो, हम लोग हम आपको जीवन भर याद रखेंगे, बस एक खेल पर दे दो, हम सबसे यही मांगते हैं कि मेरे को एक खेल पर कोई दे दे, बाबा इतना काम हो जाता है ना बिना हेल्पर के ना भाई, जीवन बहुत क्या, अभी उम्र है तो कर लेते हैं, जब बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तब क्या होगा हम ये सोचते हैं।